हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज से मैं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जीके के विभिन्न टॉपिक्स पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं सिंधु सभ्यता से बनने वाले प्रश्नों को कवर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। वेद कितने हैं? तो वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10462 इसमें सृजाएँ हैं। इस वेद से जो हमें राजनीतिक प्रणाली और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में ये एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद में जो गाई जा सकने वाली जो ऋचाओं का वर्णन है, और ये भारतीय संगीत का भी जनक इसके वेद को माना जाता है। जो अर्थवेद है, अर्थवेद में जो है ऋषियों द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। फ्रेंड्स, जो भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग की आवश्यकता होती है? तो वेदों को समझने के लिए शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, इन 6 वेदांगों की आवश्यकता होती है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो अरबों की जो सिंध विजय का प्रमाण चचनामा में मिलता है, इसके लेखक अली अहमद थे। और जो पुराण है उनमें, पुराणों में जो मत्स्य पुराण है सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन पुराण है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो पाणिनि थे। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो लिखी थी टॉलमी ने लिखी थी। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। हिस्टोरी का जो पुस्तक लिखी है हेरोडोटस ने लिखी है, और इन्हें ही जो इतिहास का पितामह भी बताया जाता है। हैनसोंग भारत कब आया था? हैनसोंग भारत जो आया था 629 ईस्वी में भारत आया था। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। आग का आविष्कार किस युग में होता? आग का जो आविष्कार होता वो पुरापाषाण युग में हुआ था। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना, अर्थात में शिकार करने पर डिपेंड उनका जीवन था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ, और आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु की जो सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो ये सुरकोटदा में मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास में सबसे आगे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूँ और जौ थी। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात में। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित था? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी पद्धति थी। नकली स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में मिला। संदेह सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर प्राप्त होता है? तो कालीबंगा में प्राप्त होता है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आग शिव का। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो आद्य ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु घाटी का सभ्यता
की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं, एक तो दयाराम साहनी और एक आर डी वर्नर्स। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? जौ एवं गेहूँ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? ये रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किस बनी होती थी? शैलखड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टेला, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हड़प्पा के निवासियों के जो घर थे, नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? वे ग्रीट पद्धति को अपनाते थे। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये नपाषाण काल में हुआ। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी बिदसतर नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो गुजरात में हुई। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की सभ्यता। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने। और चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर और लोथल से। बर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। तहकीक हिंद का किताब उल हिंद किसकी कृति है? ये अलबरूनी की कृति है। रिहेला जो है वो इबन बतूता ने लिखी थी। अभिलेखों का जो अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है वो इपिग्राफी कहलाता है। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो यवनों ने यह कार्य सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का किया था। सिंधु सभ्यता में तोल की इकाई का अनुपात क्या था? 16 के अनुपात में इकाई का। इसका जो सिंधु सभ्यता में तोल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं एवं सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में आने की दृष्टि से, उन क्वेश्चनों को मैंने इसमें कवर किया था। फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वे वैदिक सभ्यता और महाजनपदों का उदय, इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही। फ्रेंड्स, आपके आसपास जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अब जो आगामी समय में एग्जाम आने वाले हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स, और मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन और आपके लिए लाया हूँ। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कारण है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का कारण नहीं माना जाता है? तो निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है? आपको इन चार ऑप्शन में से इसका आंसर देना है। ये आंसर आप स्वयं देंगे कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत